जो स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर का यूरिया का बारे में हम क्वेश्चन पूछा था और उसमें मंत्री जी ने अपना जो रिप्लाई देने का टाइम में माननीय मेंबर जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 223 सर। अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रखा गया सर। जो क्वेश्चन का जो आंसर, वो जो हम पूछे उसका आंसर जो है ना, आंसर हमको नहीं मिला है। हमारा क्वेश्चन ये था, अभी तक जो है ना देश में पूरा रिक्वायरमेंट क्या है यूरिया का, सबसे ज्यादा जो सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रहा है वो सब्सिडी जो है स्टेट वाइज यूटी वाइज लास्ट 5 इयर्स का सब्सिडी क्या है बोल के पूछा है, उसका नहीं दे पाया। सिंपली जो है ना एक लमसम फिगर दिया है 2,54,798 का। और हमारा जो इम्पोर्टेंट क्या है, आज का दिन में देश में फार्मर्स के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है। इन पर्टिकुलर हमारा तेलंगाना में तो यूरिया का वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट में कम से कम जो है ना 50% भी जो है ना नहीं दे रहा है। बहुत दफा हम लोग अप्रोच किया है, अभी नॉट ओनली तेलंगाना, एंटायर इंडिया का यूरिया को सप्लाई फुल फ्लेज्ड करने के लिए कब तक जो है ना आपका प्रणाली का है, और आपका जो है न्यू यूरिया पॉलिसी जो लगाया, न्यू यूरिया पॉलिसी। साहब एक मिनट सुन लीजिए मंत्री जी, मंत्री साहब एक मिनट तो सुन लीजिए मंत्री साहब। किसानों के ऊपर और खाद के ऊपर राजनीति